अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में घर से बैंक पहुंचे व्यापारी को सिर में रॉड मारकर बदमाशों ने 2.25 लाख रुपए लूट लिए। अफरा तफरी के माहौल में व्यापारी करीब 85,000 रुपए बचा पाने में कामयाब रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस को पहुंचने में खासी देरी हुई। व्यापारी नेताओं ने मालूमात की तो इंस्पेक्टर ने उनसे घटना छिपाते हुए बता दिया कि व्यापारी घर चला गया है, जबकि उस वक्त तक पीड़ित व्यापारी थाने में ही उपचार की बात जो रहा था। इसे लेकर संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष की लाल कुर्ती इंस्पेक्टर से तीखी नोकझोंक भी हुई। पीड़ित व्यापारी का नाम हर्ष गुप्ता है, वह स्वामीपाड़ा में रहते हैं। हर्ष गुप्ता की बुढ़ाना गेट पर गुप्ता एजेंसी है। घटना के बाद फर्स्ट बाइट टीवी को हर्ष गुप्ता ने यह जानकारी दी। मैं घर से अपने बैंक जा रहा था, कैश ले गए जमा करने। जैसे ही मैं स्कूटी पे से उतरा, अपना अंदर स्कूटी में से बैग निकाल के मैं जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ा तो एक जना मेरे साथ ही था, मतलब गेट में से साथ में वो घुसा था मेरे, तो मेरे से आगे आया एकदम, मुझे उसने रोक लिया मुझे आ गया जाके कि भाई तुम्हारी पर्ची वर्ची नहीं कटी कोई। मैंने कहा भाई कैसी पर्ची है। फिर एकदम पीछे से उसने थोड़ी बहुत मेरे साथ छीना छपटी करी, फिर पीछे से एकदम उसने दूसरे जने ने आके मेरे एकदम सर पे बड़ी जोर का रॉड टाइप का कुछ मारा। अब मैं उसमें वगैरह डर गया बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, मैंने एकदम जैसे चिल्लाया, इतने में वो भाग गए थे। 3 लाख रुपए करीब थे, 3 लाख रुपए थे जमा करने गया था बैंक में। कुछ भी नहीं पता मुझे, मतलब कुछ एकदम पीछे, मतलब मैं आगे बात कर रहा था इतने में पीछे से उसने आके पैसे आपके हाथ में थे या डिग्गी में थे? नहीं, मतलब मैं तो बैंक की, मतलब वो जो हुआ वो बैंक की सीढ़ियों पे था, मैं तो ऊपर जा रहा था बैंक में ना, बुढ़ाना गेट। डिस्ट्रीब्यूशन है जी गोदरेज की, वहीं से घर से हाँ, मतलब फिर जब मैं ऊपर पहुंचा तो पानी वानी दिया। उधर घटना को छिपाने का प्रयास किए जाने पर संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने इंस्पेक्टर लाल कुर्ती को आड़े हाथ लिया। कौन सा मजाक हुआ भाई, घटना की घटना हो गई, आप लोग अपना इधर से उधर कबड्डी लड़ रहे हैं, हम तो अब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा आप लोगों ने। भाई तो घटना के साथ साथ जब उन्होंने फोन करा, फोन करने का मेरा मंत्री जिम्मेदार मंत्री मेरे व्यापार संघ का, वो टेलीफोन करके पूछ रहा है। हम तो सर हम घटना में जब पहुंचेंगे जब कंफर्म हो जाएगी, फिर बुलाओ हेड बोरे को, उसे डॉक्टर उसे चिरा पट्टी बंदरी डॉक्टर कराओ। हमारा व्यापारी घायल, एक मिनट भैया आप रुको, डॉक्टर को नहीं हुई इसकी अब तक हुई, कितने बजे घटना भैया? फिर चिट्ठी मिली हुई इनको, मेरे मेरे पास जब आए वो टाइम बताऊंगा और चिट्ठी मिली मैं लिख रहा हूँ। एक चिट्ठी ले रखा था, उससे क्या लेना मुझे भाई, ये अभी की बात है, ये मेरे पास कितने टाइम पे आया आप बताएं। ये सर यहाँ पर यहाँ थाने ही, ये कौन सा ढंग हुआ भाई, आप लोग घटना दबा देना चाहते थे क्या? नहीं नहीं सुनिया, मेरे पास जिस समय आए हैं इनकी तहरीर तो सबसे सबसे तहरीर बाद ली जाती है, पहले आप इनकी डॉक्टरी कराते भाई। डॉक्टरी के लिए मैं लिए खड़ा हूँ और इनकी मेडिकल पहले वहां से हो गया इनका प्राइवेट और तहरीर के लिए भाई मेडिकल तो कराते हैं। हम तभी तो आएंगे भाई, हमारा ये भलमानस है कि हम आपसे पहले पूछ रहे हैं कि घटना है कि नहीं है। कुछ कभी कभी फॉल्स सूचना भी आती है हमारे पास, घटना कुछ नहीं होती है, लेकिन आप उसको छोड़ के ना आपने इसकी डॉक्टरी कराई। वो कितनी देर में पहुंचे घटना पे आप सूचना के बताइए, कितनी देर में पहुंचे बताते बता बेटा, इसको बुलाओ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।